गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इंस्टाग्राम की न्यू फीचर को कैसे यूज कर सकते हो। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी सारे लोगों के यहां पर स्टोरी पे देखा होगा कि कुछ ऐसा यहां पर उसके स्टोरी पे शो होकर आता है जिसमें एक क्वेश्चन वो लोग सिंपली आपसे पूछते हैं और आपको वहाँ पर टाइप समथिंग जहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों वहाँ पर आपको टाइप करके उसका आंसर देना है। तो दोस्तों ये फीचर इंस्टाग्राम में बिल्कुल न्यू आया है तो इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप इस फीचर का यूज़ कैसे कर सकते हो। तो गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं आदित्य नाइट यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस तरह के फीचर को आपको यूज़ करने के लिए सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट कर लेना है। प्ले स्टोर पे जाने का जैसे ही आप अपडेट करोगे गाइस, उसके बाद आपको अपने यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लेना है जैसा कि मैंने यहाँ पर ओपन किया है। उसके बाद आपको ऊपर जो कैमरे का आइकन है वहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक यहाँ पर मैंने कर दिया गाइस और मैंने यहाँ पर अपने कैमरे पर अपना फिंगर रखा हुआ है इसलिए ये ऐसा कलर यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर गाइस आपको पिक क्लिक कर लेना है। पिक क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको ऊपर एक स्टिकर का जो आइकन शो हो रहा है उस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है तो उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे गाइस तो यहाँ पर देख सकते हैं आस्क मी ए क्वेश्चन, अगर यहाँ पर मैं टैप करता हूँ यहाँ पर टाइप करने का भी ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर मैं सिंपली कुछ भी आस्क मी एनीथिंग यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ या आप कुछ भी टाइप कर सकते हो और यहाँ पर सिंपली आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो आपको जो कलर पसंद हो। उसके बाद यहाँ पर ब्लू मुझे पसंद है तो मैंने ब्लू टाइप कर दिया दोस्तों। और उसके बाद नीचे सेंड टू पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर शेयर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके टाइमलाइन में यानी कि स्टोरी लाइन में यहाँ पर पोस्ट हो जाने वाला है ऐसा। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात गाइस, काफ़ी सारे लोगों को तो अपडेट करने से ये फ़ीचर मिल जा रहा है लेकिन बहुत सारे लोगों के फ़ोन में मैंने देखा है कि ये फ़ीचर से ओनली अपडेट करने पर नहीं मिल रहा है। सो गाइस इसके लिए आपको आप भी ट्राई कर लीजिए, अगर अपडेट होने के बाद ये फ़ीचर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है और अगर नहीं मिलता है तो आपको दोस्तों बीटा यूज़र बनना पड़ेगा। आप लोगों को पता ही होगा बीटा यूज़र क्या होता है, या फिर नहीं पता तो मैं सिंपल भाषा में यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि बीटा यूज़र वो होता है कि जब भी कोई ऐप बीटा वर्जन में होता है यानी कि उसमें कोई भी फंक्शन पहले आता है तो वो बीटा यूज़र को सबसे पहले मिलता है, उसके बाद जाके ऑल यूज़र को मिलता है। तो यहाँ पर गाइस अगर आपको बीटा यूज़र बनना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। सो गाइस जैसे ही लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आप कुछ यहाँ पर ऐसे इंटरफेस ओपन होकर आएगा, यहाँ पर आ जाओगे आप सिंपली जब नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर देख रहे हो आप यू आर ए टेस्टर लिखा हुआ है, ठीक है गाइस। लेकिन जब आप ओपन करोगे तो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ आएगा बिकम टेस्टर, उस पर आपकी क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसका नीचे आप देख रहे हो यहाँ पर आपके क्लिक करने के बाद नीचे डाउनलोड द इंस्टाग्राम ऐप ऑन गूगल पे, उस पर क्लिक करके आपको ऐप वहाँ पर गूगल प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसका आप जैसे ही अपडेट करोगे इंस्टाग्राम ऐप को तो आपके सारे फंक्शंस आपको मिल जाएंगे और आप सिंपली उसको यूज़ कर सकते हो। तो आशा करता हूँ गाइस कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये फीचर आपको कैसा लगा और कोई प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप पूछ सकते हो गाइस। एंड चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।